कानपुर मर्डर मिस्ट्री के खुलासे के वक्त ही शक के घेरे में आई कानपुर पुलिस का असली चेहरा भी अब सामने आ गया। ज्योति के हत्या आरोपी पति पीयूष से स्वरूप नगर थाने में पूछताछ के दौरान सीओ राकेश नायक ने कई बार उसका माथा चूमा, यही नहीं सीओ ने उसे पुचकारा भी। बच्चा है, गलती हो जाती है, आगे से गलती ना करने की नसीहत तक दे डाली। यूपी पुलिस का ये कैसा चेहरा, माथा चूमने वाले दृश्य सामने आने के बाद फेस सेविंग के लिए सीओ राकेश नायक को हटा दिया गया। बुधवार को कानपुर जोन के आईजी आशुतोष पांडे ने इस महा मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते वक्त भरोसा दिलाया था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या इसी कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं आईजी? के न्यूज ने खुलासे पर पहले ही कई सवाल उठा दिए थे। बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपमान, ठीक है ना? आईजी आशुतोष पांडे ने पहले कार्रवाई का भरोसा दिलाया था, तो वहीं सीओ राकेश नायक हत्यारे के आरोपी का माथा चूम रहे हैं। पुलिस को किसी भी हालत में नहीं बचाया जा रहा, हम कैसे आपको क्लियर करें कि किसी भी हालत में नहीं बचाया जा रहा है। जो फांसी की सजा होती है चारों को होती है, उस धारा के लिए, उस धारा में हम उनको बुक कर रहे हैं, उस धारा की तफ्तीश हो रही है, हम इनको फांसी पर लटकाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा, उसी तरह से तफ्तीश चल रही है, उसमें कोई संदेह नहीं। वहीं कानपुर के आईजी आशुतोष पांडे ने इस पूरे मामले पर बोलते हुए कहा कि सीओ की इस हरकत के बाद कानपुर पुलिस की छवि खराब हुई है। जो आज रिमांड पे लिया गया था, इसमें हमारी टीम लगी हुई थी, जो सीओ साहब के द्वारा जो हरकत की गई उनका वो इंडिविजुअल हरकत था, और ऐसे केस में जिसमें देश की पूरी जनता इस केस से इन्वॉल्व हो गई है, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग इस केस के प्रति इतने संवेदनशील हैं, ऐसे में इस केस में इतनी संवेदनहीनता और अपराधियों के लिए इतनी हमदर्दी किसी भी हालत में क्षम्य नहीं है, और ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसलिए इनको एसएसपी से बात करके इनको ये निर्देशित किया गया कि इनको तत्काल इस विवेचना से, इस थाने के सुपरविजन से और उस क्षेत्राधिकारी स्वरूप नगर के पद से तत्काल रूप से हटा करके एसएसपी ऑफिस से इनको अटैच कर दिया जाए। साथ ही जो हमारा सर्विस कंडक्ट रूल्स है उसके तहत भी इनके खिलाफ जांच शुरू की जाए। वहीं सीओ की इस हरकत के बाद डीआईजी आर के चतुर्वेदी ने सीओ राकेश नायक को हटा दिया। इस मामले का बड़ा गंभीरता से संज्ञान लिया गया है, और आईजी साहब के निर्देशानुसार, मेरे निर्देशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा उन्हें चार्ज से रिमूव कर दिया गया है और ऑफिस से संबद्ध कर दिया गया है। साथ ही साथ उनके इस पूरे प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक स्तर से जांच किए जाने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं, और जांच आख्या प्राप्त होने पर यदि कोई अन्य विभागीय कार्रवाई संभावित हो तो वो भी की।